नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। देश में कोरोना महामारी ने विकराल रूप ले लिया है। इस बीच संक्रमण के इलाज के लिए जो सबसे असरकारक दवाई है उसकी शॉर्टेज भी होने की बात सामने आ रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश के ही राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल से रेमडेसिविर चोरी की घटना सामने आई है। शुरुआती जांच में करीब 850 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने का अंदेशा जताया गया है। भोपाल में कुछ ही दिन पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन का नया स्टॉक आया था। कोहेफिजा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चोरी की घटना सामने आने के बाद मौके पर मंत्री विश्वास सारंग और डीआईजी इरशाद वली भी पहुंचे। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी का यह पहला मामला है। मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि चोरी का मामला बेहद गंभीर है, इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए जांच करने की आवश्यकता है। इधर इस महामारी में मानवता को ताक पर रखकर कुछ लोग नकली दवाइयां बनाकर भी बेचने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में इंदौर क्राइम ब्रांच ने 400 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ एक युवक को पकड़ा है। ये नकली इंजेक्शन हिमाचल प्रदेश की किसी कंपनी के बताए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने खडवा रोड से डॉक्टर विनीत त्रिवेदी नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने जिला प्रशासन और ड्रग विभाग को नकली इंजेक्शन की जानकारी दी। टीम को डॉक्टर विनीत की फार्मा कंपनी की भी जानकारी मिली है, जिसे लेकर भी आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी ऊंचे दामों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के बीच इंदौर में नकली माल की सप्लाई कर रहा था। आरोपी के साथ एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने मामले में किसी बड़े खुलासे की संभावना जताई है। बता दें कि गुरुवार को ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि देश में रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।